अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ ज़ैर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम यूट्यूब कोर्स में नेक्स्ट क्लास की तरफ आ गए हैं और आज हम देखेंगे कि यूट्यूब पे अच्छे व्यूज़ लाने के लिए और अपने चैनल को ग्रो करने के लिए हमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। इम्प्रेशन, क्लिक थ्रो ये क्या होता है, CTR क्या होता है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या होता है और इम्प्रेशंस क्या होते हैं, इनके बारे में आज बात करेंगे। और अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता यूट्यूब पे कामयाब होने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं अपने कंटेंट्स पे चला जाता हूँ, अपने वीडियोस में। और वीडियोस में आप किसी भी वीडियो पे जाएंगे तो यहाँ पे एनालिटिक्स का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ये मेरी सबसे लास्ट वीडियो है जो मैंने लास्ट में अपलोड की है। इसका हम ऑडियंस रिटेंशन भी देखेंगे, इसका हम इम्प्रेशंस भी देखेंगे और इसके हम CTR भी देखेंगे। तो इन चीज़ों का क्या फ़ायदा होता है ये आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे सामने रीच में जैसे जाएंगे, रीच में आ रहे हैं इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस क्या है? इम्प्रेशंस वो हैं कि आपका थंबनेल, आपकी वीडियो कितने लोगों तक गई है, कितने लोगों ने आपका थंबनेल अपनी स्क्रीन पे यूट्यूब चैनल पे देखा है। जितने लोगों ने उसको देखा है वहाँ पे इम्प्रेशंस 108 शो हो रहे हैं, यानी कि 108 लोगों ने मेरा थंबनेल देखा है। और ये CTR क्या है? CTR होता है क्लिक थ्रो रेट। 108 लोगों में से अगर 4% लोगों ने देखा है आपका, उस पर क्लिक किया है, तो आपका इम्प्रेशन क्लिक थ्रो CTR जो है 4.6 मेरा यहाँ शो हो रहा है। तो ये CTR जितना ऊपर जाएगा उतनी आपकी वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाएगी। जितने लोगों तक ज़्यादा जाएगी उतनी आपको क्लिक्स आएंगे, उतने आपकी जो सी है वीडियो के व्यूज़ आएंगे और व्यूज़ आने पर आपका चैनल ग्रो होगा, ठीक है। और इम्प्रेशन क्लिक थ्रो रेट CTR जिसको कहते हैं हम, CTR हमारे लिए, हमारी वीडियो के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। जैसे आपका CTR ऊपर जाता जाएगा आपका ज़्यादा ज़्यादा इम्प्रेशन आपको मिलते जाएंगे, आपका थंबनेल अच्छा होना चाहिए। देखें 108 लोगों के पास अगर मेरा इम्प्रेशन, मेरे लोग थंबनेल गया है, मेरी वीडियो गई है, तो इसका मतलब है कि मेरा थंबनेल में कुछ गड़बड़ है, या मेरा थंबनेल बहुत अच्छा नहीं है, या फिर मेरा वीडियो का टाइटल बहुत अच्छा नहीं है, इस वजह से लोगों ने इस पर क्लिक कम किया है। और इसके अलावा आपने एक और चीज़ देखनी है, एंगेजमेंट में आके, एंगेजमेंट में आपने देखना है कि आपकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितनी है। देखें ये वीडियो जो मैंने दी है लेक्चर वाइज, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी थी, 25 मिनट की वीडियो थी, तो इस पे मुझे जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन मिला है वो 3.26 मिला है। इसका मतलब क्या है कि किसी ने भी मेरी वीडियो जब ओपन की है तो उसने कम से कम 3 मिनट 26 सेकंड की मेरी वीडियो देखी है, यानी कि मेरी वीडियो का 10% हिस्सा देखा है, बाकी हिस्सा देखा ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी वीडियो इस तरह बनानी है, इतना उसमें दम होना चाहिए कि जो उस वीडियो को प्ले करे तो वो कम से कम आपकी वीडियो पूरी देखे। और कोशिश आपने ये करनी है कि देखें, मैंने, मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था और मैंने लेक्चर जब तक कंप्लीट नहीं होना था मैंने अपनी वीडियो ख़त्म नहीं करनी थी, इस वजह से मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हुई, 25 मिनट की हुई। मैं वो वीडियो आपको शो करवा रहा हूँ जिसपे मेरा ऑडियंस रिटेंशन बहुत कम है, 25 मिनट के हिसाब से ये 3 मिनट बहुत कम है, ठीक है ना। तो आपने एक चीज़ कोशिश करनी है कि वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना, कोशिश करनी है जितना कम वीडियो में आप जितना अच्छा गाइड कर सके उतना आपने गाइड करना है। तो ये जितना आपका व्यू ड्यूरेशन जो है वो उतना ज़्यादा होगा उतना ही आपका इम्प्रेशंस अच्छे आएंगे, और अगर इम्प्रेशंस अच्छे आएंगे, जब आपका लाखों में इम्प्रेशंस आएंगे तो हज़ारों में क्लिक होगा, और हज़ारों में क्लिक होगा तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिक जो सी है अपग्रेड होगी, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और आपका चैनल ग्रो होना शुरू होगा। तो आपने अगर लंबी वीडियो बनानी है, जैसे कि मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करने में मेरी वीडियो लंबी हो जाती है, तो आपने एक काम करना है, आपने साथ शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करनी है। शॉर्ट वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्ट्स जो यूट्यूब का फीचर आया उसमें अपलोड करें, शॉर्ट वीडियो का मतलब है कि 2 से 4 मिनट की या 5 मिनट की या 6 मिनट की आप वीडियो बनाएं और उसमें अच्छे तरीके से गाइड भी करें। हम यूट्यूबर्स से रिक्वेस्ट है इस चीज़ों को आप इग्नोर मत करें, इन चीज़ों पे आप लाजमी देखें, हर वीडियो के साथ अपनी
जोंसी है, ये चीज़ें चेक करें, और अगर आपके इंप्रेशंस कम है तो आप कोशिश करें अपना थंबनेल चेंज करें, इसको अच्छे से अच्छा लगाएं। यूट्यूब खुद भी कहता है कि अगर आपके इंप्रेशंस कम है, अगर आपके क्लिक थ्रू CTR आपका कम आ रहा है, तो आप अपना थंबनेल चेंज कर सकते हैं, आप अपना टाइटल वीडियो का चेंज कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें से जो सी मैंने आपको बताई, इन चीज़ों पे अगर आप देखते चलेंगे और इनको साथ साथ चेक करके चलेंगे, तो इंशाल्लाह आपका चैनल ग्रो होगा और आपके व्यूज़ कभी कम नहीं होंगे। अगर आपने अपने व्यूज़ बना के रखने हैं, अपने चाहते हैं कि आपके व्यूअर्स आपके सब्सक्राइबर्स आपके साथ अटैच रहें और वो हर वीडियो को व्यू करें और आपके इंप्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा आए, आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, तो इन चीज़ों को आपने इग्नोर नहीं करना है। इन चीज़ों को आपने लाजमी हर वीडियो के साथ चेक करना है, और चेक करने के बाद अपना वीडियो, अपना वीडियो का टाइटल, अपनी थंबनेल आपने ऐसा लगाना है कि आपको अच्छे से अच्छे व्यूज़ मिलें, आपका ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो आज के लिए इतने ही क्लास, इसको समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो समझ लें कि ये आपको एक मैं चाबी दे रहा हूँ सक्सेस की। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आप कामयाब। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी।